welcome to our channel Indirakshita Vlogs. आज हम आपको राज कचौरी बनाना सिखा रहे हैं, जिसे आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। बनाइए अपने घर पर और हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी राज कचौरी कैसी बनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। आज हम आपको राज कचौरी बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। ये हमने मैदा ले लिया है और सूजी ले ली है। इन दोनों का प्रपोर्शन जो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आपको जितनी राज कचौरी बनानी है उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। आप 100 ग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों ही मैदा और सूजी 100 ग्राम लेनी होगी। यहाँ हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और नमक ले लिया है, 1/4 टीस्पून ले लिया है दोनों को, और ये पानी ले लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। बाउल में हम सूजी डाल लेंगे। आपने देखा होगा राज कचौरी बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी होती है और एकदम ही कड़क होती है। उसका जो कारण है वो सूजी होता है, क्योंकि वो सूजी बहुत ही क्रिस्पी बना देती है राज कचौरी को। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैश कर लेंगे। और आप ध्यान रहे, आप जो आटा इसके लिए जो बनाएंगे डो, वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो पानी है वो सूजी एब्जॉर्ब कर ले और वो थोड़ी फूल जाए। इसीलिए हम उसमें थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट रखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है आटे को, डो को सॉफ्ट रखना है। बताइए, हमने मांड लिया है इसे, हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी जो है पानी एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम दोबारा इसे मांडेंगे। ये हो चुका है हमारा डो रेडी। अब हम बनाएंगे राज कचौरी। पूरी की तरह बेल लिया है, तेल गरम हो चुका है। ये जो हमने बेल के रखी थी पूरी, उसे अब हम डाल देंगे। इसे आप पहले फुल मोड पे आप इसे गरम कर लेंगे, और जैसे ही ये पूरी फूल जाएगी, जैसे ही देख सकते हैं आप ये फूलने लगी है, जैसे ही पूरी तरह से फूल जाएगी ये, इसे हम स्लो मोड पे करके धीरे धीरे पकाएंगे। देख सकते हैं आप ये पूरी फूल चुकी है। और अब हम गैस को स्लो मोड पे करके इसे इस प्रकार तेल डालेंगे इस पे और इसे पकाएंगे। अच्छे से लाल हो चुकी है और सिक गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें अब हम दूसरी राज कचौरी डालेंगे अपनी। दूसरी जो हमने राज कचौरी बनाई थी उसे भी निकाल लेंगे। हमने राज कचौरी प्रिपेयर कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी कड़क है, आप देख सकते हैं इसकी उससे आवाज से ही ये बहुत ही क्रिस्पी और एकदम कड़क बनी है। इसके लिए जो हमें सामग्री की आवश्यकता है, यहाँ पे हमने ये अनार के कुछ दाने ले लिए हैं, सेब ले लिया है, ये हमने हरी धनिया ले लिया है, नमक ले लिया है, जीरा पाउडर ले लिया है, चाट मसाले ले लिया है और लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। आप ये सब अपने स्वाद अनुसार ही डालें। यहाँ पे हमने ये काले चने ले लिए हैं, जिसमें हमने जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल के मिक्स कर लिया है। ये उबले हुए पके हुए चने हैं। यहाँ पे ये जो आलू है ये भी उबले हुए हैं। यहाँ पे हमने दो पापड़ी ले ली है और दो भल्ले ले लिए हैं। इधर हमने इमली की चटनी ले ली है और ये हरी चटनी ले लिया है और ये दही ले लिया है। अब हम अपनी प्रोसेस को शुरू करेंगे राज कचौरी बनाना। अब हम इस राज कचौरी को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, जिसके लिए आपको ये जो राज कचौरी प्रकार, और इसमें अब हम उबले हुए आलू भरेंगे कुछ, चने भरेंगे काले चने, पापड़ी डाल लेंगे कुछ क्रश करके,
लेंगे एक, उसे दही में डिप करके उसे इसमें हरी चटनी डालेंगे ऊपर से, इसमें देख सकते हैं हम जैसे हम डाल रहे हैं। दही डालेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे दही से। जीरा पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चुटकियों में भुरक रहे हैं हम देख सकते हैं। इमली की चटनी डालेंगे अच्छे से ताकि बहुत ही स्वादिष्ट बने, और दही डालेंगे। हरी चटनी और अब हम सेव डालेंगे। कुछ अनार के दाने डालेंगे, और जरा सी हरी धनिया छिड़क लेंगे। बस चाट मसाले को और भुरक लेंगे। ये हमारी राज कचौरी पूरी तरह से तैयार हो गई है खाने के लिए। आप इसे खाएं, अपने घर पे बनाएं और हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। हमारी तो राज कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनी है।